ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका पुनः एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टुडे में। और आपके समक्ष मैं फिर एक बार पंडित बी एन शास्त्री। आज हम बात करेंगे कन्या राशि फल के बारे में, कन्या राशि के जातकों के बारे में, कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का सितंबर का महीना, सितंबर 2020। एक चीज़ और, काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए हैं, प्रश्न आए हैं, जिसमें लोगों ने बताया है कि अगस्त का महीना हमारा कैसा रहा, ये चीज़ें हमारे साथ घटित हुई, तो वो मैं आपके सामने एक बार जरूर रखूंगा। तो कन्या राशि सितंबर का बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा अगस्त के बारे में। देखिए, अगस्त में जो कन्या राशि वाले जातकों का जो अगस्त का महीना रहा है, उसमें आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नौकरी में परिवर्तन के लिए या नई नौकरी के लिए आप सोच रहे थे, तो मैंने आपको बताया था वो आपके लिए उचित नहीं है, वो चीज़ें आपके समक्ष आई हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से भी अगस्त आपका अच्छा नहीं रहा था, स्वास्थ्य में भी तकलीफें आपको जरूर रही थी। इसके साथ अगर मैं बात करूँ आपके शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा जो छात्र विद्यार्थी हैं उनको भी अगस्त के महीने में अच्छे परिणाम नहीं मिले थे। तो ये चीज़ें मैंने आपके समक्ष इसलिए रखी हैं ताकि आपको सितंबर पर आप ध्यान दें, क्योंकि होता है क्या है, आप सुनते हैं, देखते हैं, पूरी वीडियो आप जरूर देखेंगे और उसके बाद आप भूल जाते हैं उपाय करना, और उसके बाद आपको जो मैं बताता हूँ वो मंथ के एंड में या जब आपके साथ चीज़ें घटित हो जाती हैं तब उन चीज़ों का याद आता है। तो इसलिए मैं कहूँगा, ये विनती भी करूँगा कि जो मैं आपको उपाय देता हूँ वो उपाय आप जरूर करें ताकि आपके साथ चीज़ें अच्छी हों, खराब ना हों। क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है जो चीज़ें आपको घटित होने वाली हैं वो पहले से आप उसके लिए सचेत रहें। इसलिए मैंने आपको सितंबर का राशिफल बताने से पहले अगस्त के राशिफल के बारे में विवरण दिया है। तो अगर हम सितंबर के राशिफल के बारे में बात करें कन्या राशि, तो स्वामी जो हैं उनके बुध हैं, उसके साथ साथ गणेश जी की आप आराधना करें, गणेश की स्तुति करें, गणेश जी का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें, ये जरूर आप करें, गणेश को खुश रखें, गणेश जी को स्तुति करें ताकि कन्या राशि वालों के जो इष्ट हैं गणेश हैं तो उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। कन्या राशि का जो स्वामी है बुध हैं, शुभ रंग हरा है, शुभ अंक 3 और 8 है, शुभ दिशा दक्षिण है, शुभ दिन हफ्ते के बुधवार और शुक्रवार रहेगा, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके साथ साथ देखिए, कन्या राशि वालों के जो नक्षत्रों की बदली चाल, इस महीने जो उनके नक्षत्रों की चाल बदली है अगस्त से, अगस्त में जो चाल थी वो सितंबर में बदली है, नक्षत्रों की चाल से बदली चाल से आपको आपके जीवन में नई क्षेत्र में परिणाम या नई क्षेत्र में उन्नति के चांसेस मुझे दिख रही हैं। आपकी जो नक्षत्रों की बदली चाल है उससे आपके नए क्षेत्रों में आपको लाभकारी प्राप्त होगा या लाभ होगा। पुरानी कोई आपके पुराने जो कार्य आपने किए हुए हैं, पुराने काम आपके किए हुए हैं या पुराना निवेश आपने किया हुआ है अगस्त में, जुलाई में, मई में, तो उसके परिणाम आपको सितंबर में फलदायक होंगे, आपके लिए अच्छे परिणाम रहेंगे। साथ ही साथ महीने के अंत में, महीने के अंत में थोड़ा सा आपका कन्या राशि वालों का समय या 24 या 25 तारीख के बाद से समय परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय थोड़ा सा आपको टेंशन या तनावग्रस्त जरूर रहेगा आपका, तो उसके लिए आपको मैं उपाय बताऊंगा। क्योंकि हम अपनी कुंडली में, अपनी वीडियो में आपको बताते हैं, जो हम बात करते हैं वो व्यवसाय की स्थिति देखते हैं, धन की स्थिति देखते हैं, नौकरी की स्थिति, संतान की स्थिति, परिवार की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति पर हम आपसे चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं ताकि आप उसके लिए सचेत रहें। तो व्यवसाय के नज़रिए से अगर मैं देखूँ कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तो आपके व्यवसाय का विस्तार बढ़ेगा इस महीने, आपके व्यवसाय विस्तार विस्तृत होगा, विस्तार बढ़ेगा, बिजनेस निवेश आप कर सकते हैं ताकि आपको उसमें लाभ मिले। साथ ही साथ आपके लिए धन व्यय, आप अगर कहीं धन लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा खर्चा भी कह सकते हैं, तो वो अधिक रहेगा व्यवसाय में, पर लाभ भी अधिक होगा आपको। नौकरी की दृष्टि से अगर मैं देखूं, तो नौकरी में आपको जो धन आ रहा है, जो आपकी आय है, इनकम है, उससे अधिक आपका खर्चा सितंबर में मुझे दिख रहा है, तो धन संचय करके आप जरूर चलें, धन को व्यर्थ ना करें, थोड़ा सा आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, मेहनत जरूर करें, मेहनत इस महीने आपको बहुत ज़्यादा करनी है नौकरी में, और नई नौकरी अगर आप देख रहे हैं तो सितंबर के महीने में नई नौकरी आपको मिल जाएगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 3 सितंबर के बाद ही आप कोई नया इंटरव्यू दें, आपको 100% उसमें लाभ मिलेगा, इंटरव्यू आप पास करेंगे और उसमें आपको जॉब मिलेगी मिलेगी। पद प्रमोशन अगर कन्या राशि वालों का चल रहा है, पद प्रमोशन की बात, तो कन्या राशि वालों के लिए पद प्रमोशन में 50-50 चांस मुझे दिख रहे हैं, 100% नहीं है, 50-50 चांस दिख रहे हैं, वो उनकी मेहनत के ऊपर है, जो आपने पुराने कार्य किए हैं, पुरानी मेहनत की है, उसका परिणाम तो आपके फेवर में आएगा, पर 50% आपका उसका रहेगा।
दाम्पत्य जीवन की अगर हम देखें तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिख रही है मुझे, अच्छा है, प्रेम के मामले में भी अच्छा है, तो ओवरऑल दाम्पत्य जीवन या प्रेम प्रसंग आपका अच्छा रहेगा, तालमेल अच्छा रहेगा, प्रेम आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, घूमने का प्लान बना सकते हैं, तो आपको अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो धन भी आर्थिक स्थिति में अच्छा दिख रहा है मुझे, क्यों, ओवरऑल धन नौकरी व्यवसाय तीनों चीज एक ही हैं एक तरह से, तो तीनों चीज़ों में आपको धन का लाभ जरूर होगा। स्वास्थ्य की अगर हम देखें तो स्वास्थ्य की तरफ से माता पिता, जो आपकी माता है पिता है, उनके स्वास्थ्य पर मुझे इस महीने समस्या दिख रही है, तो माता पिता के स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें, उनकी अगर थोड़ा भी सेहत डगमगाती है या आपको लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनके उनका चेकअप कराएं, तो वो आपके लिए सही रहेगा, अन्यथा उसमें आपको कोई बड़ी समस्या आ सकती है, बड़ा खर्चा माता पिता के स्वास्थ्य की तरफ से आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के लिए, खुद के लिए जो स्वास्थ्य है वो सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा, मांसपेशी की समस्या आपको रह सकती है, सिर दर्द रह सकता है या माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है, तो आप अपने ऊपर भी जरूर ध्यान दें, ये मेरे आपसे विनती है कि आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, क्योंकि कोरोना काल में स्वास्थ्य का सही रहना बहुत ज़्यादा अति उत्तम है, तो आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान जरूर दें। शिक्षा के नज़रिए से अगर मैं बात करूं कन्या राशि वालों के लिए, तो शिक्षा अच्छी रहेगी, शिक्षा में लाभ होगा, आप अपने स्किल को इम्प्रूव करें, साथ ही साथ आप कोई कोर्स की तरफ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए आप कहीं इंस्टीट्यूट में कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो उनका एडमिशन इस महीने हो सकता है या होगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर संतान की मैं बात करूं तो संतान का अगर आप गर्भधारण के योग आपके दिख रहे हैं मुझे, लेडीज़ों के लिए जो मेरी बहन है, तो उनके गर्भधारण के योग दिख रहे हैं, संतान सुख अच्छा रहेगा, और जिनकी संतान हो चुकी है तो उनको संतान की तरफ से चिंता बन सकती है उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो संतान के स्वास्थ्य पर भी आप जरूर ध्यान दें। परिवार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भाई बहन के साथ उनके जो सहयोग हैं अच्छे दिख रहे हैं, साथ ही साथ कन्या राशि वाले कोशिश करें, अगर कोई भी वो कार्य करना चाहते हैं नया, तो अगर उनका बड़ा भाई कोई है तो अपने बड़े भाई से वो उस बारे में राय या विचार विमर्श जरूर करें, उसका उसको अच्छा परिणाम मिलेगा कन्या राशि वालों के लिए। इसके साथ अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, चल या अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं, अच्छा है आपके लिए, उसमें प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं काफ़ी समय से, तो कन्या राशि वाले सितंबर के महीने में वाहन खरीद सकते हैं। 16 और 17 तारीख, 16 सितंबर और 17 सितंबर आपके लिए अशुभ है, 16 और 17 सितंबर आपके लिए शुभ नहीं है, अशुभ है, तो इस जो दो डेट मैंने बताई हैं, जो दो तारीख बताई हैं, 16 और 17, इस तारीखों में कोई भी निवेश ना करें, कोई काम ना करें, कोई जैसे मैंने बताया चल अचल संपत्ति या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इन दो डेटों में आप ना खरीदें, उसमें आपको हानि हो सकती है, और किसी को इन दो डेटों में आप पैसा भी ना दें, अपने हाथ से इन दो जो मैंने तारीख बताई है इसमें किसी को पैसा ना दें, वो पैसा आपका अटक सकता है। कोर्ट कचहरी का अगर आपका कोई मामला चल रहा है काफ़ी समय से, तो वो आपका हल हो जाएगा सितंबर के महीने में, या मैं कहूँ समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम उपाय की बात करें तो आप गरीबों को मूंग साबुत मूंग और गुड़, ये दो चीज़ एक साथ मिलाकर दान दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गरीबों को आपको दान देना, मूंग और गुड़ का आप दान दें अपने हाथों से, या आप श्री सरस्वती वंदना आप कर सकते हैं, श्री सरस्वती जी की वंदना आप करें, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। ये मैंने आपको उपाय बताए हैं, उपाय जरूर कीजिएगा, अन्यथा फिर आपको लास्ट में होगा, और फिर वही होता है कि फिर पश्चात क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये चीज़ें जो हम आपको पहले से सचेत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सितंबर का महीना आप अपने लिए अच्छा बना सकें, अच्छे परिणाम ले सकें उसके लिए, तो आप उपाय जरूर करें। उपाय कोई आपका खर्चा नहीं है, उसमें कोई बड़ा उपाय मैंने आपको नहीं दिया, तो उपाय आप जरूर करें ताकि आपको उसका रिजल्ट दिखे और आपको लगे कि हाँ गुरुजी ने बताया था, उसका लाभ भी आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई राशिफल के साथ एक नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।